देने वाला घोड़ा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह कभी भी बाकी जानवरों को अपनी बकवास बोलकर डराता था। एक बार नदी के मछलियों के पास जाकर कहा, ओए मछलिये, पानी में अच्छे से मजे कर रहे हो, पर कल नदी से सारा पानी को निकाल देंगे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इससे मछलियां ना कुछ समझते हुए सिर पकड़ लिए। फिर एक बार पेड़ के पास के कौओं के पास जाकर कहा, ओए कौवे, जल्दी ही इस पेड़ को काट देंगे, देर ना करते हुए तुम्हारे घरों को बचा लो। उसकी बात पर विश्वास करके सारे कौवे घबरा कर चिल्लाने लगे। ऐसे लोमड़ी के हर झूठ पर विश्वास करके वह जानवरों का घबराना देख उसे बहुत खुशी मिलती। आगे आगे लोमड़ी को यह एक आदत सी पड़ गई। हर रोज किसी भी एक जानवर को ना डराती तो उसका दिन ही नहीं निकलता। उसी जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। वह हरे भरे घास को चरते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ था। वह ना किसी के पास जाता, बस अच्छे से अपना काम खुद देखता। एक दिन घास चर रहे घोड़े के पास लोमड़ी पहुंचा। घोड़े ने उस पर उतना ध्यान नहीं दी। इससे लोमड़ी, यह जंगल में सारे जानवर मुझे देखकर घबरा जाते, नहीं तो कुछ मैं क्या बोलूंगा करके बेसब्री से देखते, लेकिन यह घोड़ा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी कब्र तो लेनी ही है, करके सोचा। बाहर से घोड़े को, अपने प्राणों को बचाना हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वह क्या मुसीबत है, बोलकर घोड़े ने पूछा। हमारे राजा शेर तुम्हें मारने आ रहे हैं। मैं उधर से ही आ रहा हूँ। लोमड़ी के बारे में पूरी बात जानने वाला घोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता था और कहा, अच्छा बस इतनी सी बात है, मुझे शेर से डरने लगता, उसके बारे में तुम परेशान ना हो। बोल के, लोमड़ी लोमड़ी मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारे प्राण बचा लो, कहा घोड़ा। हाँ मेरे प्राणों को क्या हुआ, करके संदेह से पूछा लोमड़ी। हमारा राजा शेर का एक लौता बच्चा बीमार हुआ, तो उपचार के लिए हाथी के पास जाने पर पूंछ के कोने में सफेद निशान वाले लोमड़ी की खून पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताया। तब से शेर तुम्हारे लिए देख रहा है, तुम दिखोगी तो मार देगा, जाकर चुपके अपने प्राणों को बचा लो, बोलकर कहा घोड़ा। इससे लोमड़ी भयभीत होकर तुरंत जंगल के घने पेड़ों में घुसकर बिना किसी को दिखे घर गया। एक हफ्ता भर बाहर नहीं निकला, खाना पीना छोड़कर घर में ही छुप गया। उसके बाद एक खरगोश लोमड़ी के घर पर आया। लोमड़ी को तो उसे पकड़ने तक की ताकत भी नहीं थी। वह पूरी बात बताकर, शेर आएगा तो देख के बताना मित्र, बोलकर पूछा। तब खरगोश ने कहा, ना ना उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी, तुमने ही तो एक बार कहा था ना, उस तरफ जाओगे तो भेड़िया मार देगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर एक दिन लोमड़ी को देखने गधा आया, वो भी एक कारण देकर उधर से चला गया। भूतकाल में बेवजह उन्हें अपनी बकवास बताकर डराने के लिए लोमड़ी अपने आप को कोसता रहा। 10 दिन बाद घोड़ा आया। शेर आ रहा है कि नहीं, अब तुम ही बताओ मित्र। तब घोड़े ने कहा, शेर नहीं आएगा, जानबूझकर तुमसे मैंने झूठ कहा, क्योंकि तुम सबको अपनी बकवास बताकर घबरा रहे हो ना, डर का मतलब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। पहले झूठ बोलने पर लोमड़ी को घोड़े पर बहुत गुस्सा आने पर भी बाद में